my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. It's time for my kind of favorite video, which is monthly favorites. Mera har month ka sabse favorite content piece hota na, wo yehi hota hai because I get to include so many products jo mujhe pasand aate hain. So aaj main baat karne wali hu mere April favorite products ki. I have a lot of products right over here. Last month na bahut sari weddings hui thi, to maine kafi wedding makeup specific bhi alag alag experiment kiya tha. So mere paas aaj bahut sara makeup recommendation bhi hai. So yeah, without any further ado, let's get started. Star of the month product you can say has to be these because they shine like star on your eyes. So as I told you, बहुत सारी शादियाँ थी और जब wedding makeup की बात आती है ना, मैं normal eye shadows पर rely नहीं करती because वो कितना भी आप अच्छे से लगाओ वो glitter जो होते ना pop out नहीं करते, but these liquid eye shadow by Mars are just amazing. मैं काफ़ी बार ये recommend कर चुकी हूँ, मैंने इसके ऊपर एक बहुत पहले reel भी बनाई थी जब मुझे receive हुए थे Mars से. मैंने बहुत पहले Instagram reel भी डाली थी सारे swatches की, I'll link that reel in the description box below. उसमें आप अच्छे से एक एक product का swatch देख सकते हो, बट दीज आर अमेजिंग. सो ये बेसिकली ग्लिटर लिक्विड आई शेडोज हैं. आप नॉर्मल अपना कोई भी बेस लगाओ, आज ही मैंने यही लगाई है हल्की सी, बहुत अच्छा एक शाइन देती है आईज को. सो नॉर्मल अपना कोई भी मेकअप लगाओ एंड देन इफ यू फील कि आपके आउटफिट के साथ कोई एक स्पेसिफिक ग्लिटर बहुत अच्छे से मैच कर रहा है, आप वो मैच करके लगा सकते हो. लाइक इफ यू कैन सी, मार्स जो है ना वो गोल्डन में भी बहुत सारे शेड देता है. देर इज अ वेरी नाइस डार्क ब्रोन्स, मैं थोड़ा फोकस करके दिखाती हूँ. सो देर इज अ वेरी नाइस, ये देख सकते हो आप कितना अच्छा ब्रोन्जी डार्क कलर है. ये एकदम पिंकिश में, ये शिमरी है लेकिन बहुत प्यारा पिंकिश कलर है, ये बहुत प्यारा गोल्डनिश कलर है. सो ये तीनों टोन्स बहुत अच्छे हैं वेडिंग के लिए. अगर आप कुछ बहुत डार्क आउटफिट पहन रहे हो, मतलब आपके जो आउटफिट में ना बहुत ब्रोन्ज गोल्डन का बहुत ज्यादा हैवी काम है, लाइक जरी वरी का काम होता है, जैसे कलर का होता है, यू कैन ट्राई दिस वन. इसका नेम है मिल्की वे 04. अगर आप कुछ ब्राइट कलर पहन रहे हो, लाइक आपका एकदम आइवरी कलर का लहंगा है, कोई आउटफिट है जो बिल्कुल लाइट कलर का, आप ये पिंकिश वाला लाइट कलर ले सकते हो. इसका शेड है नेबला एंड दिस इज माई फेवरेट, जो मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ बिकॉज ये सारे आउटफिट के साथ जाता है. इसका बहुत प्यारा ऐसे गोल्डन कलर है, यू कैन सी फ्रॉम हेयर एज वेल. और ये जेनरिक कलर है, सबके साथ जाता है. अगर आप एक आई शेडो लेना चाहते हो जो सबके साथ जाए, यू कैन ग्रैब दिस वन. दिस इज 09 पोल स्टार, दिस इज माई फेवरेट. 09 इज माई लकी नंबर एज वेल एंड दिस इज माई फेवरेट. सो अगर आप वन लेना चाहते हो ना, ग्रैब दिस वन. मैंने वो वैसे रील में स्वॉचेस भी डाले हैं, वहां पे जाके देख सकते हो, लेकिन मैं आपको एक दो के स्वॉच दिखा देती हूँ. लाइक द पोल स्टार वन लुक्स लाइक दिस. सो नॉर्मल कोई भी आई शेडो लगाई, उसके ऊपर आप डायरेक्टली इससे ही लगा सकते हो. इसका एप्लीकेटर आप देख रहे हो, डो फुट एप्लीकेटर है, आप डायरेक्टली अपनी आईज के ऊपर को अप्लाई कर सकते हैं. लुक एट दिस, ये बहुत जल्दी सेट हो जाती है. जस्ट मेक श्योर कि आप एकदम आईज अपनी खोलो ना, बिकॉज ये थोड़ा सा लिक्विड है. सो अपनी आईज क्लोज करके जब इसको लगाओगे ना, थोड़ी देर अपनी आईज को थोड़ा कूल डाउन होने दो, मतलब ये सूखने दो, और एक बार जब ये सूख जाएगी ना, ये बिल्कुल सेट हो जाती है. दिस इज नॉट दैट डेंस वाला ग्लिटर विच आई लाइक. मुझे ओवर ग्लिटरी आईज भी नहीं अच्छी लगती, बहुत लाउड लगती है, और आजकल फैशन नहीं है, आजकल सटल मेकअप का फैशन है, तो मुझे ये अच्छी लगती है. वी हैव वन इन ब्लैक एज वेल, बस दो और हैं. सो ये दो शेड, ये वाली भी बहुत अच्छा, लाइक यू कैन से सॉर्ट ऑफ एक गोल्डनिश टोन है, लेकिन पहले वाले से लाइट है. जो पोलस्टार मैंने भी आपको दिखाई है ना, ये सॉर्ट ऑफ वैसा ही टोन है, उससे हल्का से एक शेड और लाइट है. और ये ब्लैक वाला तो स्मोकी आइज के लिए बहुत अच्छा है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल. अगर आप डार्क टोन की स्मोकी आइज करना चाहते हो ना, कॉकटेल लुक कोई क्रिएट करनी है, पार्टी नाइट लुक क्रिएट करनी है, आप ये वाला ले सकते हो. ये वाले का नाम है गोल्डन वन इज बिग बैंग एंड द डार्क वन इज ग्रेविटी 05. दिस इज अ वेरी डार्क कलर, इट्स ब्लैक, लाइक लुक एट दिस. अगर आपको स्मोकी आइज करनी नहीं आती ना, ट्रस्ट मी, आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं, अपनी आईलेट पर इसको अच्छे से लगा लो एंड जस्ट डैब डैब डैब. ये शिमर भी दे रही है और ब्लैक का बहुत अच्छा इफेक्ट दे रही है, लाइक लुक एट दिस. आपको कुछ और लगाने की जरूरत ही नहीं है. सो दीज आर वेरी अमेजिंग. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ऑल्सो एन आई शेडो, लेकिन ये स्टिक फॉर्म में आती है. दिस वन इज बाय के ब्यूटी. आई पर्सनली लव के ब्यूटी के मेकअप प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छी क्वालिटी के बनाते हैं. द ओनली थिंग इज ये शार्पनिंग वाली है, तो ये आप ऐसे रिट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसको आपको शार्पन करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको बहुत बड़ा शार्पनर चाहिए बिकॉज ये छोटे शार्पनर से नहीं होगी. बट दिस वन इज अमेजिंग. रिसेंटली मैंने डर्माको का एक लॉन्च इवेंट अटेंड किया था. डर्माको ने अपना और डॉक्टर विनीता के साथ एक लॉन्च में प्रोडक्ट निकाला है. सो जो प्रोडक्ट का कलर था ना, इट वाज एग्जैक्टली लाइक दिस. तो मेरा मन था थोड़ा सा आउटफिट के साथ आईज में भी प्ले करते हैं जो प्रोडक्ट से मैच होता है. सो व्हाइट थीम थी उस इवेंट की, सबको व्हाइट पहन के आना था, तो मैंने व्हाइट टॉप पहना था और उसके साथ ये आईज पर लगाया था. सो मैंने क्या किया, इसको एज अ आईलाइनर लगाया और फिर इसको फिंगर या ब्रश की मदद से एक लाइट आई शेडो लगा के ऐसे ऐसे स्मच कर लिया था. एंड यू गाइज वेंट क्रेजी इन माई डीएम. मुझे इतने डीएम्स आए थे कि आपने आईज में क्या लगाया हुआ है, इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल, बहुत अच्छा एक स्मजी स्मजी ऐसे स्मोकी लुक आती है.
जाती है. सो ये बहुत अच्छी आई शेडो पेंसिल है, काफी लॉन्ग लास्टिंग है, बिल्कुल स्मज नहीं होती, ब्लीड नहीं करती, ऊपर कोई निशान नहीं आता. सो आई लव दिस कलर, ये काफी सारी डेनिम लुक के साथ भी अच्छा लगेगा. अगर आप जीन्स बहुत ज्यादा पहनते हो, कुर्तियां पहनते हो, तो ये काफी अच्छा कलर है, जेनरिक कलर है, सारे आउटफिट के साथ चला ही जाता है. दीज आर परफेक्ट टू क्रिएट स्मोकी आईज, बिकॉज जब भी आप स्मोकी आईज करते हो ना, आपको बेस पे एक डार्क कलर देना होता है और वो आपके पाउडर आई शेडो से नहीं आएगा. हमेशा स्मोकी आईज करने के लिए आपको बेस पे आई शेडो स्टिक ही लगानी होती है. दिस इज वॉट आई हैव लर्न इन माई मेकअप क्लासेस. तो हमेशा जब हम स्मोकी आई लुक क्रिएट करते थे, हम ऐसे आई शेडो स्टिक्स या फिर कुछ लिक्विड या जो पैन वाले प्रोडक्ट्स आते हैं ना, वो बेस पे अच्छे से लगाते थे, उसके ऊपर फिर शिमर अप्लाई करते थे. सो अगर आप एक सिंगल एक या दो प्रोडक्ट से कोई लुक क्रिएट करना चाहते हो, आप ये मार्स के आई शेडो ग्लिटर ले लो, ऐसा बेस के लिए आई शेडो ले लो. इस पर लिखा है शेड, द शेड नेम इज नेविगेटर, इस पर लिखा हुआ है, दिस इज नेविगेटर बाय द वे. सो उसको लगाया, इसके ऊपर कोई भी शिमर लगा ली जो आपके आउटफिट से मैच हो रही है, लाइक यू आर वेयरिंग अ नाइस शिमरी ब्लू साड़ी या गाउन, आपकी पूरी लुक क्रिएट हो जाएगी, आपको कोई आई शेडो अलग से लेने की जरूरत नहीं है. टू हेयर केयर, आई जस्ट हैव वन हेयर केयर प्रोडक्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल दैट आई लव्ड जेन्युइनली. दिस इज डेफिनेटली अ 10/10 फ्रॉम माई साइड. दिस इज द डर्मा वाइव ड्राई स्कैल्प शैम्पू. आजकल क्या हो रहा है ना, मेरी स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे वेडिंग फंक्शन भी अटेंड कर रहे हैं, और काफी बार क्या होता है, फंक्शन दो दो तीन तीन दिन चलते हैं, मॉर्निंग वेडिंग है, टाइम नहीं था, तो मैंने फटाफट से ड्राई शैम्पू लगा लिया. ड्राई शैम्पू आर दो स्प्रे जो आप स्प्रे करते हो अपने बालों पे, ताकि आपकी जो स्कैल्प की ऑयलीनेस है वो कम हो जाए. फटाफट स्प्रे की ऑयलीनेस भी कम हो जाती है, फिर बालों को कर्ल करती हूँ, फिर उसके ऊपर स्प्रे लगाती हूँ होल्ड करने के लिए. तो ये सारे स्प्रेज और प्रोडक्ट्स की वजह से ना, मेरा स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई हो रही थी, और ड्राइनेस की वजह से काफी बार वो एक फ्लीकी वाली स्कैल्प हो जाती है, डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाता है, उसके बाद फिर इचीनेस होती है. एंड देर आर टाइम्स जो आपकी इचीनेस बहुत ज्यादा होती है ना, आप स्क्रैच करते हो, लिटरली आपको कभी कभी दिखता है कि ब्लीडिंग हो रही है, बिकॉज आपकी स्कैल्प सेंसिटिव हो गई है. सो अगर आपके साथ भी ये इशू है ना, ट्राई दिस शैम्पू, ये लिटरली इसी कंसर्न के लिए बना है. डर्मा वाइव का ये ड्राई स्कैल्प शैम्पू इज अ सेंसिटिव स्कैल्प कंडीशन, जिसके अंदर अवीना सतीवा सीड पाउडर है, इट हैज कोलोइडल ओटमील, प्लस ये पीएच बैलेंस्ड भी है, ये आपके बालों के पीएच लेवल का एकदम ध्यान रखता है. लव द टेक्सचर ऑफ दिस शैम्पू, आप देख सकते हो कितना अच्छा लाइट इसका टेक्सचर है, फोम बहुत अच्छे से करता है, इसके अंदर जो नेचुरल कोलोइडल ओटमील है वो सूथ करता है, नरिश करता है स्कैल्प को, रेडनेस को भी कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है. देन इसके अंदर सोडियम पीसीए भी है, जो रिप्लेनिश करता है मॉइस्चराइजेशन, बैलेंस करता है आपके स्कैल्प के पीएच लेवल को, ओवरऑल ये आपके बालों को साफ भी बहुत अच्छे से करता है, लेकिन उसके नेचुरल ऑयल को स्ट्रिप ऑफ नहीं कराता. ड्राइनेस और इचीनेस से बचने के लिए तो ये बेस्ट शैम्पू है. काफी डीएम्स आते हैं, लड़कियां कहती है हमें डैंड्रफ नहीं है, लेकिन हमारी स्कैल्प इची रहती है, ड्राइनेस बहुत रहती है. ट्राई दिस वन, यू विल लव इट, इट इज वर्थ एवरी पेनी. नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट डर्मा वाइव, आई मस्ट इंक्लूड देयर फेस वॉश एज वेल. आई एम बैक टू यूजिंग दिस पर्टिकुलर फेस वॉश, आई थिंक मेरी थर्ड ट्यूब होगी, अब तक मैं दो तीन ट्यूब्स को फिनिश कर चुकी हूँ. मैंने इसको एक्सट्रीम एक्ने कंडीशन में भी यूज किया, इट सूटेड मी ब्यूटीफुली. देखो अगर आप रात को अच्छे से स्किन केयर करके सोते हो ना, तो सुबह आपकी स्किन इतनी कोई डर्टी नहीं होती, यू जस्ट नीड अ जेंटल क्लेंजर कि आपकी स्किन क्लेंज हो जाए. अगर आप मॉर्निंग में बहुत हार्श क्लेंजर यूज कर लोगे ना, अगेन आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, बहुत ज्यादा ऐसे क्रैक्स पड़ेंगे. ये फेस वॉश बहुत अच्छा है, जेंटली मेरे फेस को क्लेंज भी करता है, बट एट द सेम टाइम कोई ड्राइनेस नहीं देता. इसका नाम है डर्मा वाइव हाइड्रा क्लेंजर, ये एक जेंटल सोप फ्री पीएच बैलेंस क्लेंजर है, जो बहुत अच्छे स्किन को क्लीन भी कर देता है, लेकिन उसको ओवर ड्राई नहीं करता, उसके नेचुरल ऑयल को बेसिकली स्ट्रिप ऑफ नहीं करता. मेरा मेकअप इससे अच्छे से निकल जाता है, इम्प्योरिटीज निकल जाती है, स्किन मेरी एकदम सॉफ्ट हाइड्रेटेड रहती है. अगर आपकी भी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, तो ये भी आपको सूट करने वाला है. एक अच्छा एंटीबैक्टीरियल क्लेंजर है, जो एक्ने के जो होते हैं बेसिकली उसको कम करने में हेल्प करता है, आपके पोर्स को अनक्लॉक करने में हेल्प करता है. ऑल्सो दिस इज परफेक्ट फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, अनक्लॉक करता है आपकी स्किन को, जो भी इम्प्योरिटीज होती है उसको हटाता है, ऑयलनेस को भी कम करता है. ओवरऑल अगर आप मॉर्निंग के लिए एक अच्छा जेंटल क्लेंजर देख रहे हो, फिर नाइट टाइम के लिए भी आप ज्यादा मेकअप नहीं करते, एक्सेसिव कुछ प्रोडक्ट्स नहीं लगाते, तो जेंटल क्लेंजर से भी आपकी स्किन क्लीन हो जाती है, तो डेफिनेटली आप ये डर्मा वाइव का क्लेंजर ट्राई कर सकते हैं. बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन आइबेरिया स्किन ब्रांड्स, एमेजॉन, नायका एंड न्यूट्रीडर्म की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगे, सो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, मैं नीचे लिंक डाल दूंगी. आयरोनिकली जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं दिखाने वाली हूँ, जस्ट अभी एक डीएम आया मेरे इंस्टा पे, मैं चेक कर रही थी, थोड़ा ब्रेक ले रही थी मैं बीच बीच में. सो अभी जस्ट एक डीएम आया था एक लड़की का, शी सेड आपके ऊपर व्हाइट काजल बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज कल मैं एक फंक्शन में गई थी और मैंने यही व्हाइट कोल लगाया था ऑन माई लोअर वाटर लाइन. व्हाइट काजल से क्या होता है, आपकी आईज बड़ी दिखती है, सो अगर आप बहुत ज्यादा स्पेक्स पहनते हो, आपकी आईज बहुत छोटी हैं, आप जब फोटो खिंचवाते हो ना, आपकी आईज इतनी छोटी सी हो जाती है, बिकॉज वेन वी स्माइल तो एक बेसिक होता है, जब स्माइल करते हो आपकी चीक्स लिफ्ट हो जाते हैं और आईज ऐसे छोटी हो जाती है, और काफी लड़कियों को लगता है कि यार आईज बड़ी दिखनी चाहिए फोटोज में या फिर पिक्चर्स में अच्छी लगनी चाहिए. सो व्हाइट काजल इज समथिंग दैट यू नीड टू हैव. ये रिसेंटली मैंने परचेज किया था माई ग्लैम से, मैंने इसके अंदर ही डाला हुआ है, बिकॉज ये मिक्स हो जाता है मेरे सारे कोल पेंसिल्स में, तो मैं इसके अंदर ही रखती हूँ. दिस वन इज बाय माई ग्लैम मैट आई लाइनर पेंसिल, दिस इज ऑल द पैकेजिंग लुक्स लाइक.
माइग्लैम पे इतने अच्छे ऑफर चलते ना, ये तो आपको 150-200 समथिंग में मिल जाएगी। और जब आइस की बात आती है ना, आई वुड से लोकल मत लेना, आप कोई रैंडम सा लोकल ब्रांड का व्हाइट काजल ले लोगे, इट कैन पोक योर आइज, आइस के लिए सेफ नहीं होता। सो माइग्लैम इज समथिंग जो अच्छी ट्रस्टेड ब्रांड है। सो ये है लिट मैट आई लाइनर पेंसिल एंड द शेड नेम इज मूड, कैन यू सी नाउ, बहुत प्यारा एक लाइट कलर है, लेकिन बिल्कुल भी लाउड नहीं लग रहा, बहुत सुंदर लग रहा है। दिस इज नॉट दैट झटाक वाला वाइट, इट्स दैट क्रीमी एंड ऑफ वाइट सा कलर है, बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको लोअर वॉटलाइन पे लगाती हूँ एंड देन नीचे आप कोई भी आई शेडो जो आपने ऊपर लगाई है ना, उससे हल्का हल्का स्मच कर सकते हो, बहुत अच्छी लुक आती है। आजकल मैं जितने मेकअप आर्टिस्ट को फॉलो करती हूँ ना, मैक्सिमम मेकअप आर्टिस्ट आजकल यही करते हैं, नीचे व्हाइट काजल लगाते हैं ताकि ब्राइड्स की भी आईज ऐसे बड़ी बड़ी दिखे, फोटोज बहुत अच्छी आती है। मैंने खुद अपनी शादी में कृति डियर्स को बोला था, मैंने बैठते कहा था मेरी आंखें ज्यादा काली काली मत करना, लाइक नीचे से काजल भर देते हैं, स्मच कर देते हैं, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत लाउड लगती है। एंड देन यू डोंट लुक लाइक योरसेल्फ, ऊपर इतनी हैवी लैशेस, नीचे इतना ज्यादा काजल, आपकी लाइक फोटोज में ना आंखें इतनी सी लगती हैं। तो अगर कोई शादी भी कर रहा है ना, प्लीज ये चीज अपने मेकअप आर्टिस्ट को पहले ही बोल देना। सो कृति डीएस ने भी यही किया था, अंदर मेरी आईज के अंदर व्हाइट कलर का कोल डाला था और फिर बाहर ब्लैक कलर से हल्का हल्का स्मच किया था, तो वो बहुत नेचुरल लग रहा था। सो दिस इज नाइस, दिस वन इज इन द शेड मूड, ये आप डेफिनेटली ले सकते हो। मैंने माइग्लैम से ऑफर में आई थिंक 500 रुपीज में तीन ये आईलाइनर्स मंगवाए थे, दो मैंने लिप लाइनर मंगवाए थे, एक ये मंगाया था, एंड दीज आर वेरी गुड, इनके लिप लाइनर्स भी बहुत अच्छे हैं, आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो। तो बॉडी केयर में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बॉडी केयर का जो मेरा फेवरेट रहा है, रेस्ट एवरीथिंग इज प्रीटी मच द सेम, मैं वही स्क्रब यूज कर रही हूँ जो मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ, लोशन मेरा वही पुराना है, बट दिस इज समथिंग न्यू, ये मेरे पास बहुत टाइम से रखी थी और मैंने खोली नहीं थी। दिस इज प्लम बॉडी लविन का बॉडी शिमर ऑयल, ये मैंने किसी इन्फ्लुएंसर की स्टोरी में देखा था एंड आई रियली लाइक इट, सो रिसेंटली मैंने भी ये निकाला। और मेरे मैक्सिमम जो इंडियन वेयर है ना, वो या तो कट स्लीव्स हैं, स्लीवलेस हैं, नूडल स्ट्रैप है, बिकॉज मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे ऐसे पूरे फुल स्लीव वाले इंडियन कपड़े अच्छे ही लगते हैं, मेरी बॉय टाइप है, उसके ऊपर ऐसे नूडल स्ट्रैप स्लीवलेस अच्छे लगते हैं। तो मैं हमेशा हाथ पर भी कुछ शिमर लगाती हूँ, बिकॉज क्या होता है जब आप वेडिंग लुक क्रिएट करते हो, आपका फेस तो काफी अच्छे से ग्लो करता है, यू हैव हाईलाइट ऑन, नेक पे भी हम थोड़ा सा फिर मेकअप कर लेते हैं, लेकिन हमारे हाथ फिर कंपेरिजन में बड़े डल डल लगते हैं, फिर फोटोज में भी थोड़ा एक डिफरेंस पता चलता है। तो ये इन द शेड कॉपर शीन और इसका हल्का सा ना टैन कलर है, द ओनली थिंग इज ये लीक हो गया और बहुत सॉलिड लीक हुआ है, मैंने इसको इतनी बार टाइट किया, पता नहीं इसमें क्या इशू, अभी भी आप देख रहे हैं लीकेज आई हुई है। सो प्रोडक्ट पैकेजिंग का मे भी कोई इशू है, अब अगर नई पैकेजिंग आ रही है शायद वो अच्छी हो। सो दीज आर ऑयल्स, लेकिन इनमें शिमर इन्फ्यूज्ड है, लाइक कैन यू सी कितना फाइन इसमें शिमर है, एंड वंस यू लाइक ब्लेंडेड, लुक एट दिस, बहुत अच्छा है, शाइन देता है, दिस इज वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन एज वेल, इसको लगाते ही बहुत अच्छी शाइन आता है और इसमें बहुत टाइनी लाइक बिल्कुल भी वो प्रोमिनेंट बड़े बड़े वाले शिमर नहीं है जो लोकल प्रोडक्ट्स में आते हैं, इसमें काफी बारीक शिमर है जो दूर से शाइन करता है, बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं लगता। आप काफी बार देखोगे ना एक्ट्रेसेस को भी, स्पेसिफिकली जब आप कॉफी विद करण देखोगे, उसमें जब वो शॉर्ट ड्रेसेस पहन के आती हैं एक्ट्रेसेस, उनके लेग कितने अच्छे से शाइन करते हैं, शिमर एकदम ग्लॉसी ग्लॉसी लगते हैं, दिस इज द रीजन वाई वो बहुत अच्छे बॉडी ऑयल्स लगाती है जिसमें शिमर इन्फ्यूज होता है। सो ये इंडियन वेडिंग लुक के लिए काफी अच्छी, आप इसको हैंड्स पे लगा सकते हो, बैक पर भी लगा सकते हो, अगर आपने कुछ बैकलेस पहना है, आप बालों को आगे कर रहे हो तो अगर आपकी बैक थोड़ी सी डल लग रही है, आप बैक पे इसको लगा सकते हो, नरिशमेंट भी देती है एट द सेम टाइम शाइन भी देती है। नेक्स्ट अप इज अ प्रोडक्ट जिसको रिसेंटली मैंने रिव्यू भी किया है मेरे इंस्टाग्राम पर, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे हो प्लीज गो देयर एंड फॉलो मी देयर, मैं बहुत सारे कशिको के रिव्यूज करती हूँ रील्स की फॉर्म में। सो अगर आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस देख नहीं पाते या फिर आपको शॉर्ट रिव्यूज देखने का भी शौक है, प्लीज गो देयर एंड फॉलो मी देयर, आई डू अ लॉट ऑफ रिकमेंडेशन जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो रिसेंटली मैंने परचेस किया था मेकअप रिमूवर ऑयल फ्रॉम अमेजोन, मैं बहुत टाइम से ना एक ऑयल क्लेंजर ढूंढ रही थी और इससे पहले मैं यूज करती थी लॉक्सीटैन का, लॉक्सीटैन का वो इतना सा मेकअप क्लेंजिंग ऑयल आता है 600 या 700 समथिंग का, विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव। और मेकअप ऑयल्स ऐसे होते हैं जो चाहिए होते हैं कॉन्स्टेंटली, बिकॉज मैं फुल कवरेज मेकअप करती हूँ, लाइक वेडिंग में गए, पार्टी में गए, कंसीलर लगाया हुआ है, करेक्टर लगा हुआ है, फाउंडेशन, काफी बार सनस्क्रीन हैवी लगाते हैं, तो ऑयल क्लेंजिंग करनी बहुत जरूरी है, उसी से सारा मेकअप मेल्ट ऑफ होता है, अदरवाइज आपके आपको क्लॉग्स होंगे, आपके पोर्स क्लॉग होंगे, कॉमेडॉन्स हो जाएंगे, दाने हो जाएंगे। सो मेकअप करने में आप जितना टाइम लगाते हो ना, मेकअप को उतारने में भी एक अच्छा टाइम लगाना चाहिए। सो आई वॉज सर्चिंग फॉर मेकअप क्लेंजिंग ऑयल, तो मुझे अमेजोन पे दिखा, बहुत सस्ता था, अमेजोन की डील पे अंडर रुपीज 200 मिल रहा था। इसका नाम है बायोटिक आलमंड डीप क्लेंस प्योरिफाइंग क्लेंजिंग ऑयल, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ये है फॉर फेस एंड आई मेकअप रिमूवर, नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है, लेकिन मेरी ऑयली स्किन को भी ये बहुत अच्छे सूट किया है। सो इसके अंदर खाली आलमंड ऑयल नहीं है, इसके अंदर कैस्टर ऑयल है, सैफ्लॉर, व्हाट इज सैफ्लॉर आई डोंट नो, सेस
इसमें है नीम सोए स्टाफ ट्री ऑयल दैट डीप क्लेंस टू डिसॉल्व हैवी फेस एंड आई मेकअप इजिली। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोडक्ट इसने बिल्कुल भी मेरी आईज को भी इरिटेट नहीं किया। आप वो रील देखोगे ना, मैंने बहुत अच्छे से अपने मस्कारा को रब ऑफ किया था, बिकॉज मस्कारा ऐसे नहीं उतरता, वो ऑयल क्लेंजर से ही उतरता है, और सारा मस्कारा निकल गया था, बिल्कुल मेरी आईज इरिटेट नहीं हुई, रेड नहीं हुई, या फिर ऐसा होता ना टीयरी आईज हो जाती है। दिस इज वेरी सेफ फॉर सेंसिटिव आईज एज वेल, वेरी वेरी नाइस। लाइक ये तो मैंने कुछ जेम ढूंढ निकाला, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज सस्ता है और बहुत अच्छे से वर्क करता है, और ऑयल क्लेंजर ऐसे हैं जो आपको कॉन्स्टेंटली चाहिए ही होते हैं, तो एक अच्छा अफोर्डेबल ऑप्शन मिल जाए तो अच्छा, बिकॉज हर मंथ आपको बहुत ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। सिंस समर पीक पे चल रही है, उस गर्मियों में सबसे ज्यादा यूसेज होता है फ्रेग्रेंसेस का, सो लास्ट मंथ भी मैंने बहुत फ्रेग्रेंसेस यूज करी है, बट दीज टू आर माई अल्टीमेट फेवरेट। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी मिस्ट की। मैं जिम जाती हूँ, मैं बॉडी मिस्ट लगा के जाती हूँ, बिकॉज मैंने डिओड्रेंट्स बिल्कुल बंद कर दिए हैं, एंड परफ्यूम मुझे इतना ज्यादा नहीं चाहिए होता जिम के लिए। आई जस्ट वॉन्ट की एक दो घंटे की एक अच्छी खुशबू आए, सो आई प्रेफर बॉडी मिस्ट फॉर दैट। दिस वन इज बाय प्लम, ये प्लम बॉडी लवन का और चिड यू नॉट बॉडी मिस्ट, दिस इज सो सो गुड। यू कैन सी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, अब यहाँ पर आ चुका है, अब मेरे एम्प्टीज वाले बॉक्स में जाएगा। वेरी वेरी नाइस, मुझे वैसे ही प्लम बॉडी लवन के जो मिस्ट हैं अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या है ना, इनकी जो एक मिमोसा आती है वो बिल्कुल ऑरेंजी वाली है, इनकी जो वनीला आती है वो बिल्कुल मीठी मीठी खुशबू है, बट ये जो फ्रेग्रेंस है ना, इट इज वेरी वेरी डिफरेंट, दिस इज समथिंग लग्जूरियस एंड ब्यूटीफुल। इसके अंदर जो टॉप नोट है वो है ऑर्चिड, रेड एप्पल, ग्रेप फ्रूट, देन जो मिडिल नोट आता है वो है वाटर लिली, जैस्मिन, और जो बेस नोट आता है वो है सैंडलवुड, एम्बर एंड मस्क, विच इज लाइक परफेक्ट, मतलब इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। सो या प्लम से अगर आप कुछ लेना चाहते हो, दीज टू आर माई फेवरेट बॉडी केयर करंटली, मैं इनका लिंक भी दे दूंगी, प्लस आई हैव अ डिस्काउंट कोड विद प्लम एज वेल। आप अगर प्लम से कुछ भी लेते हो प्लीज यूज माई कोड कशिका 50। नेक्स्ट परफ्यूम जो है वो है फ्रॉम नायका, दिस इज देयर मोई बाय नायका जोई डे वेवरे, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये फ्रेंच में लिखा है, बाय द वे फ्रेंच में इसका मीनिंग कुछ खुश खुश हैप्पी हैप्पी समथिंग होता है, एंड द बॉटल इज लग्जूरियस। लाइक अगर आपको किसी को अच्छा परफ्यूम भी गिफ्ट करना है ना, अभी नायका की सेल भी आ रही है, पिंक समर सेल, उसका हॉल भी आने वाला है, सो आप ये डेफिनेटली ले सकते हो, बिकॉज ये सेल पे बहुत सस्ते मिलते हैं। दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स लाइक, इट्स अ वेरी प्रिटी ग्लास बॉटल, and the fragrance is amazing. Again, it's very English, it's very मतलब classy, और खुशबू अच्छी होती है ना, लगाती मैंने इसको जितनी बार लगाया ना, मुझे काफ़ी compliments मिले हैं, because ये prominent अच्छी खुशबू आती है, बहुत ज़्यादा long lasting नहीं है, I'll be very honest, अगर आप luxury perfumes use करते हो ना तो आप खुद notice करोगे वो बहुत long lasting होते हैं। ये इतना नहीं है, but I think for like 5-6 hours का अगर आप कोई function में जा रहे हो ना, तो ये decent enough है, it works really well, the fragrance is amazing, the look is amazing, and overall this is just beautiful. Look at this. वैनिटी पे रखा है कितना सुंदर लगता है। नेक्स्ट अप वी हैव अ मस्कारा विच इज लाइक अ गेम चेंजर मस्कारा। ये महंगा है, बट ट्रस्ट मी, कुछ कुछ होते हैं ना महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन इतना अच्छा वर्क करते हैं कि आपको लगता है हाँ यार, जो जो पैसा लगाया ना, एवरी पेनी इज वर्थ इट। अगर आपकी भी लैशेज मेरी तरह है, लाइक दे आर लाइक दिख ही नहीं रही है, अभी भी आप देख सकते हो मेरी लैशेज दिखती नहीं है, छोटी हैं और बिल्कुल फ्लैट ऐसे फॉल होती है, बिल्कुल भी बड़ी बड़ी नहीं दिखती, और मेरा मन नहीं करता बहुत ज़्यादा लैश फेक लैशेज लगाने का, जो फॉल्स लैशेज आती है मैं ज़्यादा ही लगाती, लाइक अगर कोई दूर का फंक्शन है तो इतना सेंस ही बनता हैवी लैशेज लगाने का, सो उस केस में मुझे ये मस्कारा बहुत अच्छा लगता है। कल भी मैंने फंक्शन में यही मस्कारा लगाया था। दिस वन इज़ बाय टू फेस्ड, इसका नाम है बेटर देन सेक्स मस्कारा। आई एम श्योर जो मेकअप लवर्स होंगे उनको पता होगा ये मस्कारा बहुत फेमस है, एंड लुक एट द वॉन्ड। जो लॉरियल का लैश पैराडाइज आता है ना, इट इज वेरी सिमिलर टू दिस मस्कारा, वो इसका आप ड्यूप बोल सकते हो, बिकॉज अगर ये 2500 समथिंग का आता है तो वो 1000 के अंदर आ जाता है, बट इसकी जो चार्म है ना, इट वर्क्स लाइक मैजिक। आप इसका एक बार एप्लीकेटर देखो, इट इज ह्यूज, लाइक कैन यू सी, इट इज ह्यूज, एंड ये सेंटर में बहुत अच्छा, इसमें एक डेंट आया हुआ है, लाइक ऊपर और नीचे से थोड़ा थिक है, और सेंटर में हल्का सा एक डेंट आया हुआ है, बहुत अच्छे से वर्क करता है, लैशेज को बहुत अच्छे कोटिंग देता है। आज मैंने नहीं लगाया हुआ, बिकॉज माई लैशेज आर ऑन रेस्ट टूडे, मैं अननेसेसरी मस्कारा डेली बेसिस पे ही लगाती हूँ, बिकॉज फिर उतारने के लिए ना आपकी आईज बहुत ज्यादा हार्म होती है। नेक्स्ट अप इज अ लिपस्टिक, यू कैन कॉल इट लिपस्टिक ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल, बिकॉज मैंने मैक्सिमम टाइम ये यूज करी थी लास्ट मंथ। ये है मैक की इन द शेड मौका, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, मोचा मौका, आई थिंक मौका बोलते हैं, मोचा नहीं बोलते, बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इट्स अ वेरी प्रिटी न्यूड ब्राउनिश सा कलर है, बहुत प्यारा लगता है, अगर आप ऑफिस जाते हो, यू आर लाइक क्रिएटिंग सम फॉर्मल लुक, कि आपको लाउड लिप्स नहीं चाहिए, आपको बहुत सटल चाहिए, इंडियन स्किन टोन पे जो सूट करें, ट्राई दिस वन, इट इज जस्ट अमेजिंग। मेरी शादी पर भी जो कृति डीएस ने मेरा मेकअप किया था, मैंने उनसे जाते वक्त पूछा था कि मुझे कौन सी लिपस्टिक टचअप के लिए यूज करनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली मैं अपने लिप्स लिपस्टिक खा जाती हूँ, मैं बहुत ज्यादा लिक करती हूँ तो गायब हो जाती है लिपस्टिक, सो मैं अपने साथ ना बहुत सारी लिपस्टिक्स लेके गई थी। सो आई आस्क्ड हर कि मेरे पास मैक की भी 2-3 शेड है, एंड शी स्ट्रेट अवे सेड कि आपके पास मैक का मौका है, आई सेड हाँ मेरे पास है, शी सेड परफेक्ट, आप मैक का मौका लगाना, बिकॉज उन्होंने जो शेड लगाया था इट वॉज वेरी क्लोज टू मैक मौका। तो रात को जो मैंने अपने फेरों से पहले टचअप किया था, मैंने इसी लिपस्टिक से टचअप किया था, इट लुक ब्यूटिफुल।
अभी मैंने ये नहीं लगाई हुई, मैंने बेस पे लगाई है, उसके ऊपर मैंने हल्का सा डार्क कर लिया. आज मैं थोड़ा सा हल्का सा एक टोन डार्क करने का मन था तो मैंने ये ऊपर लगाई हुई है. दिस इज बाय द वे स्विस ब्यूटी की. मैं एक बार डिफरेंस भी दिखा देती हूँ, अगर आपको एक ड्यूब भी चाहिए तो वो भी बता देती हूँ, बिकॉज देन पीपल से इतनी महंगी लिपस्टिक मत रिकमेंड करो, कुछ सस्ता भी बताओ, तो मैं सबके ड्यूब दे देती हूँ. सो मैक का जो मौका है ना, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट्स अ वेरी प्रिटी न्यूडिश, यू कैन से वॉर्म टोन सॉर्ट ऑफ कलर. और यह है स्विस ब्यूटी की क्यूट न्यूड, विच इज़ माई अल्टीमेट फेवरेट लिपस्टिक. ये तो मैं जब जब इंस्टाग्राम पे भी रिकमेंड करती हूँ ना, ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है नायका से. आई डोंट नो, मेरे जो फॉलोअर्स है बड़ी जल्दी परचेज कर लेते हैं और ये मैक्सिमम टाइम आउट ऑफ स्टॉक होती है. दिस इज क्यूट न्यूड, बहुत अच्छा. ये हुडा ब्यूटी का ड्यूप है बाय द वे लिपस्टिक जो है. सो यू कैन सी ये जो कलर है, मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाती हूँ. सो या यू कैन सी इसका हल्का सा एक पीचिश या यू कैन सी लाइट कलर आ रहा है और ये एकदम स्ट्रेट अवे ब्राउन टोन न्यूड है. सो आप कोई भी ले सकते हो. मैंने दोनों को लेयर अप किया बिकॉज मुझे लिपस्टिक्स लेयर करना बहुत पसंद है. जितनी भी लड़कियां लिपस्टिक्स लवर होंगी ना, वो हमेशा लेयर अप करती होंगी, बिकॉज एक लिपस्टिक से हमें मजा नहीं आता. हम जब तक दो तीन लिपस्टिक मिक्स करके नहीं बनाते ना, वो मजा नहीं आता. सो या दीज टू आर द शेड्स, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. सबके लिंक मैं नीचे दे ही दूंगी. नेक्स्ट अप इज अ हेयर रिमूवर टूल, जो मैंने रिसेंटली अपनी एक Q&A वीडियो बनाई थी, उसमें भी इनके साथ एक पेड पार्टनरशिप में फीचर किया था. एंड दिस वन इज बाय विंस्टन, बहुत फेमस ब्रांड है, शार्क टैंक में भी आई है. और आजकल तो इनके ब्लो ब्रश, पता नहीं, मैक्सिमम मेकअप आर्टिस्ट विंस्टन के प्रोडक्ट्स ही प्रमोट कर रही हैं, बट ये मुझे विंस्टन ने ही भेजा था डायरेक्टली. एंड ये जो पार्ट है ये स्पॉन्सर नहीं है, वो जो मैंने वीडियो में किया था वो स्पॉन्सर था. दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा. सो दिस इज बेसिकली अ 2-in-1 हेयर रिमूवर टूल. 2-in-1 एज इन इसके जो ये ऊपर वाला आता है ना, इसके साथ एक और हेड आता है विच इज लाइक वेरी छोटा, वो मेरे रूम में ही रखा है. वो मैं इतना यूज नहीं करती बिकॉज आईब्रो के लिए आई प्रेफर रेजर, उससे ज्यादा अच्छी शार्प आईब्रोज आपकी बनती है. बट दिस इज वेरी नाइस फॉर अपर लिप्स. ये यहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे यहाँ पे बटन है, चार्जिंग का भी दिया हुआ है. वंस यू जस्ट स्विच इट ऑन, यहाँ पे ऐसे लाइट ऑन हो जाती है. एंड कैन यू सी ऐसे रोटेट कर रहा है. सो ये ऐसे घूमता है, जो आवाज़ है वो यहाँ से आ रही है. एंड देन यू कैन रिमूव योर हेयर, बहुत अच्छे से इसके अपर लिप्स के हेयर हट जाते हैं. वेरी कन्वीनियंट, वेरी ट्रैवल फ्रेंडली एंड वेरी वेरी सेफ फॉर स्किन एज वेल. सो यू कैन डेफिनेटली बाय. एंड फाइनली कमिंग टू द लास्ट प्रोडक्ट, जो मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ लेकिन मैं फीचर करना हर बार भूल जाती थी, बिकॉज ये मेरे बेड साइड के ड्रॉर में ऐसे छुपा रहता है, मैं रात को इसको लगाकर सोती हूँ. दिस इज वैसलीन हर्शेस किसेस लिप थेरेपी. सो ये इन्होंने लिमिटेड एडिशन निकाला था इन कोलेबोरेशन विद हर्शेस. अगर आपने हर्शेस की किसेस वाली चॉकलेट खाई होगी ना, तो आपको फ्लेवर पता होगा, बड़ी टेस्टी होती है. सो व्हेन माय हस्बैंड सॉ इट ऑन मिंत्रा, ही ऑर्डर्ड हिमसेल्फ. दिस इज लिटरली द फर्स्ट मेकअप और ब्यूटी आइटम यू कैन से जो मेरे हस्बैंड ने खुद ऑर्डर किया, बिकॉज ही सेड मुझे ये चाहिए. ये खुद भी वो आता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. यू कैन सी अंदर बिल्कुल टेक्सचर ऐसा लग रहा है कि चॉकलेट मेल्ट करके डाली हुई है. काफी सारा मैंने यूज भी कर लिया, हल्का सा बीच में डेंट आ गया. वेरी वेरी सॉफ्ट एंड नरिशिंग, लोगों के बिल्कुल पता नहीं चलता. सो अगर आप लिपस्टिक के ऊपर भी लगाना चाहते हो, अपने बैग्स में रखना चाहते हो, आप ये डेफिनेटली ले सकते हो. फटाफट लगाया, लिपस्टिक के ऊपर भी लगा सकते हो, नरिशमेंट देता है. एंड विद दिस माई मंथली फेवरेट्स आर ओवर. इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. अगर आपने कुछ भी इसमें से ट्राई किया, प्लीज लेट मी नो आपके लिए कैसा वर्क किया. इसके अलावा यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर रिव्यूज. आई डू लॉट ऑफ रिव्यूज देयर, सो मेक श्योर यू फॉलो मी देयर एज वेल. मैं नीचे लिंक दे दूंगी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का. एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.